जी जैन साहब बताएं सर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल बंसल जी, अनिल जी आपको तो मतलब क्योंकि बंसल जी का प्यार और दिल से आ रही थी आवाजें, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे महसूस हुआ, तो मैं ऑफलाइन तो जरूर से उनको मैसेज करूंगा ही, बट ऑनलाइन भी बोला मैंने थैंक यू सो मच एंड फॉर मोटिवेटिंग मी, एंड आगे भी मैं ऐसे ही गाने बनाते रहूं, मस्ती की पाठशाला बस आता रहे ऐसे ही। थैंक यू सर। अच्छा मैंने आज एक स्टॉक लाया है, वो है रत्नवीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। रत्नवीर का आईपीओ आया था और लिस्टिंग डेट गजब की डेट थी 9/11, मतलब 9-11 सितंबर को लिस्ट हुई थी और ये कंपनी और 26% प्रीमियम पे हुई थी और 128 रुपए में लिस्ट हुआ था और आज भी उसके आसपास ही है और ऊपर के लेवल से 154 दिखा के अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ है। सो 500-600 करोड़ की रेंज की कंपनी है तो बोलते ही चलेगा स्टॉक, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जनरली मैंने देखा कि 100-125 रुपए वाले स्टॉक्स में बहुत जल्दी थोड़ा ये प्राइस का भी एक वो रहता है सेंटिमेंटल, तो रिटेल जो देखते हैं तो वो लोग लेने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज और, हमेशा आप जब भी स्टॉक ले तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी रैली आ चुकी है और स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत बड़ा एक तेजी दिखा चुका और 17,000 के तरफ जा रहा है, तो मेरी यही राय है कि हो सकता है वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन भी आ जाए, सो बी प्रिपेयर्ड। बट ये इस स्टॉक को लाने का रीजन है कि ये टेक्निकली भी अच्छा कंसोलिडेट किया है, बॉटम आउट हुआ है, 100-110 का रेंज है जो कि एक अच्छा सपोर्ट है 110 के लगभग का, और प्लस अब जो है वो 200 डेमा के ऊपर जस्ट गया और अब बोलते बोलते शायद 7-8% की तेजी आ भी गई होगी, बट ओवरऑल काफी अच्छा इसको रेस्पॉन्स मिला था आईपीओ को, 94 times ओवर सब्सक्राइब हुआ था और पोस्ट आईपीओ कंपनी के फंडामेंटल्स में भी अच्छे खासे चेंज आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली डेट्स कम हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक कंपनी का आईपीओ लाने का रीजन अगर डेट्स रिड्यूस करने का रहता है तो उसको मार्केट थम्स अप देता है। कंपनी के कुछ कैपेक्स थे उनको भी ये लोग अच्छे से कर रहे हैं और स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रही है, इन सब की वजह से कंपनी और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है इस स्टील इंडस्ट्री में तो समाव और क्या बनाते, पहले मैं एक बार और ये बता देता हूँ ये समाव, क्योंकि बोलते बोलते दूसरी चीजें ज्यादा बात कर रहे हैं, बट ये लोग बेसिकली स्टेनलेस स्टील के कुछ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और गुजरात बेस्ड कंपनी है और इस स्टॉक को मैंने पहली बार जेम्स में कवर किया, बट यस मुझे ध्यान है बाकी एनालिस्ट शायद सेठी साहब और सब ने स्टॉक को पहले रेकमेंड किया हुआ है, कवर भी किया हुआ है और अब इसमें देखिए फंडामेंटल से मुझे सस्ता लगता है वैल्यूएशंस वाइज, 17-18 के पी मल्टीपल पे रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का विच इज ऑल्सो वेरी गुड, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी बढ़िया बढ़ी है 51-52% और रेटिंग्स तो इम्प्रूव हुई है जो मैंने बताया, और दूसरी बात यह है कि कुछ इनके वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स पे भी इनका फोकस है जिसकी वजह से इनके बढ़िया वो रहते हैं मार्जिन्स भी, और मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्जिन्स वैसे लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है 9-10% के लगभग की मार्जिन वाली चीज़ है, बट दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स में बहुत फर्क है, 3-4 करोड़ के पैट के सामने करीब 9.25 करोड़ का पैट था दिसंबर 2023 में, सो पैट वाइज 35 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है। डेट्स मैंने जैसा कहा कि थोड़ा बहुत रिड्यूस करने की कोशिश कर ही रहे हैं और आईपीओ के कुछ उससे भी, और एफआईआईज डीआईआईज कोई बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं, बट कुछ इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टेड इसमें, रिनाउंड इन्वेस्टर्स, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक सस्ते वैल्यूएशन पे है, ऊपर के लेवल से करेक्टेड है तो बिल्कुल स्टॉक को देखा जा सकता है और इस लेवल पे 150 और 60 का मैं टारगेट्स दूँगा।